देखिए एक जाल में दो मिले हैं, वो भी कौन सी है, कटिन्ना है ना, कटिन्ना बोलते हैं इसको। ये टापू है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में एक अद्भुत टाइप का टापू बन गया है जहाँ हल्का हल्का नैनीताल जैसा फुहारा चल रहा है। देखिए सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। कौन गांव के हो भैया आप लोग, कौन गांव के हो? गदनिया। गुड मॉर्निंग, राम राम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दोस्तों मैं आज आया था साइड पे, नरेगा मजदूर काम कर रहे थे तो बरसात होने लगी है, बहुत मुश्किल से जैसे तैसे उनसे काम लिया गया। अब दूसरी साइड पर चल रहा हूँ और देखिए ये भैया मछली मारने जा रहे हैं, दिखाते हैं। और यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ भैया लोग पीछे देखिए बैठे हुए हैं और यहाँ जानवर भी बंधे हुए हैं। पुराना खंडहर टाइप का ये है और यहाँ पे कोई नहीं रहता है। देखिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये जो मकान बना हुआ है पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे भैया लोग कोई नहीं रहते हैं, वो सब पलियार शहर में रहने लगे तो यहाँ पे सिर्फ उनके मिलने वाले जो देख रेख करते हैं वही लोग रहते हैं। और इधर देखिए सामने आपको वो व्यू दिखा रहा हूँ जंगल का, और ये रपटा पुल बना हुआ है उधरी। अभी भैया ये जा रहे हैं ट्यूब लेके, अभी चलते हैं इनके साथ में, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। वो देखिए भैया टूप लिए जा रहे हैं, अभी मछली मारने जा रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ मछली मारते हैं। देखो दद्दू हमारे छाता लगाए बैठे पड़े हैं यहाँ, और भैया लोग उधर देखो जाल उल डाल रहे हैं, बढ़िया से मछली मार ली हो आज। बहुत बढ़िया ये नाला है, अभी यहाँ पे बाढ़ वगैरह अभी नहीं आई लेकिन हल्की हल्की बरसात हो रही, और बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो मैंने कई वीडियो में अपना ये दिखाया है यहाँ का व्यू। अब चलते हैं भैया वो टूप लेके, देखें कहाँ गए हैं, उनको ढूंढते हैं, उनके पास देखते हैं। टूप से ज़्यादा मछली मिल जाते ना, नहीं टूब से मारते हुए बढ़िया बन जाते ना। अच्छा फंदा लगा देते, चलो पहुंच रहे वहीं पे। दोस्तों ये देखिए हल्का हल्का पानी भरने लगा है और हम लोग चल रहे हैं ये पास में, देखिए जंगल, खूबसूरत जंगल जो हमने पिछली वीडियो में दिखाई। और वो देखिए भैया अपना जाल उल का इंतज़ाम कर रहे हैं और इधर ही चलते हैं हम लोग भी इधर ही चलेंगे। चल रहे हैं दोस्तों, रास्ता बहुत ख़तरनाक है और कैसे भी गाड़ी चलानी है, बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है दोस्तों, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पे देखिए एक बाइक खड़ी हुई है, आगे भैया लग रहा मार रहे हैं, यहीं पे हम भी खड़ी कर देते हैं। अब चलते हैं आगे, ये देखिए मस्त फ्रंट दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ का, और ये सब जेसीबी से बहुत बांध बना दिया गया क्योंकि कुंडा टाइप का ये हो गया था यहाँ पे, बहुत गहरा है। और भैया लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं, और वो ट्यूब वाला बंदा गायब हो गया है, अभी उसको ढूंढते हैं कहाँ चला गया। ये देखिए गाय अपने साथी को बुला रही है, भूखी तो हो नहीं सकती क्योंकि चारे वाली जगह पर खड़ी है, अकेलापन महसूस हो रहा है इसको, इसीलिए ये अपने साथी को बुलाने की आवाज़ दे रही है, होंगे आसपास में कहीं। ये देखिए हाँ आवाज़ आ रही, तो अकेलापन तो होता है सबके साथ में। और हम लोगों की बाइकें उधर खड़ी हैं, यहाँ जो हमारे गांव से बगल में ही जंगल है और बहुत ही खूबसूरत जंगल है। जैसे उत्तराखंड में लोग जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ों की वादियों में, तो उसी तरीके से हम लोग भी घूमने आते हैं इधर, पहाड़ों की वादियों से कम नहीं है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब और हल्की हल्की बरसात हो रही, ये देखिए भैया ने जाल फेंक दिया है, कौन गांव के हो भैया आप लोग, कौन गांव के हो? गदनिया, महपालपुरवा के आसाराम भैया। अच्छा मार रहे हैं उधर, चलो ठीक है डेली चखना बन जाते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा, और बीच में देखिए ये टापू है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में एक अद्भुत टाइप का टापू बन गया है जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है क्योंकि चारों तरफ इतना गहरा है। और इसमें मगरमच्छ भी हैं, कई मगरमच्छ हैं, कम से कम 7-8 मगरमच्छ तो होंगे ही इसमें, इससे कम नहीं। और वो देखिए वहाँ अभी मैं छिपा हुआ था, हल्का हल्का नैनीताल जैसा फुहारा चल रहा है और हम लोग मस्त इन्जॉय कर रहे हैं, तो हमने सोचा आप लोगों को भी साथ में ले लेते हैं।
क्योंकि ऐसा सुहावना मौसम अब देखने को मिलेगा लगातार। आप लोग देख सकते हो बहुत दूर तक कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, और हमें तो जाने का कहीं मन ही नहीं करता, बस तेज़ बरसात ना हो, हल्का हल्का फुहारा तो चल जाएगा सब। तो बड़कऊ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला अभी, चलो प्रयास करते रहो, मिलवे करिए, एक कई बार में ऐसे बहुत कुछ मिल दिए। ये देखिए एक जाल में दो मिले हैं, वो भी कौन सी है, कटिन्ना है ना, कटिन्ना बोलते हैं इसको, कांटे होते हैं इसमें। चलो प्रयास करो आगे बढ़िया मिल जाए। हमें लग रहा भैया वो जंगल में चले गए, वो टूब पे रखने के लिए जब बैठने वाला बनाना होता है तो वही जुगाड़ करने चले गए लकड़ी उकड़ी लेने। तो हम लोग चल रहे हैं अब दूसरी साइड पे, वहाँ पे मज़दूर इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों मेरा डेली का रूटीन रहता है, जब तक तेज़ बरसात नहीं हो जाती है और बाढ़ वगैरह नहीं आ जाती, तब तक हम अपना काम कराते रहते हैं साइड का। मनरेगा को मज़दूरों को रोज़गार देना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा कैमरा भी भीग रहा है धीरे धीरे। देखिए बहुत मस्त नज़ारा है, ये वाली में रास्ता, हमारी रास्ता ये वाली बन रही है, ये बहुत दूर तक उधर चली गई। सामने का नज़ारा देखिए, दोस्तों हम देखिए फंस चुके हैं, अब हमको इधर जाना है और इधर रास्ता बंद हो चुकी है, तो लेकिन हम दूसरी रास्ते से चलेंगे इस पगडंडी पे। दोस्तों अब इस पगडंडी पे हम लोग चलेंगे, इधर इसी रास्ते से आगे चलना है और घूम के आना है, राउंड ज़्यादा लग गया भैया, इधर ले आइए। और बरसात तेज़ होने लगी है, मेरा मोबाइल भी भीगने लगा है बिल्कुल। और देखिए एक जोंक लग गई थी, ब्लड तक निकल आया, ये देखिए जोंक लग गई थी। ये जंगल है, यहाँ हर चीज़ संभव है। ऊपर से पन्नी थोड़ी मैंने ढाँक रखी है कि मोबाइल पे ना गिरे। बरसात बहुत तेज़ होने लगी है अब, और इस जंगलों के बीच से निकलना पड़ रहा हम लोगों को। आराम से चलाना भैया, ओहो आज बहुत तगड़ा पंगा ले लिया हम लोगों ने। आ हा हा हा, ये देखिए पन्नी मोबाइल के ऊपर ढकी थी और अब हल्की बरसात कम हो गई है, तो किसी तरीके से हमने मोबाइल को बचाया है। और दोस्तों मैं एक अपडेट बताने वाला था कि कल मैंने योगी सर की और मनोज सर की भी वीडियो देखी है कि सरकार अब यूट्यूबर को देगी 5 लाख रुपए देगी, और कम से कम 1,000, जिसके 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो उसको ये 1,000 रुपये स्पॉन्सरशिप मिलेगा प्रचार प्रसार के लिए, वो सरकार देगी आपको अपनी उन्नति के लिए, अपना प्रचार प्रसार के लिए। अब यूट्यूबर भी पहचाने जाने लगेंगे, सरकार की नज़र में है इस समय। तो दोस्तों अच्छी अपडेट है, अभी मेरे नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, कहाँ जा रहे हो, मछली मारे? अच्छा गन्ना बचाओ है, चलो ठीक है। दोस्तों यूट्यूब फ्री में पैसा नहीं देता है, बहुत मेहनत कराता है, और हर आदमी जो भी पैसा देगा वो मेहनत कराएगा आपसे, तो जो यूट्यूब पर मेहनत करेगा उसको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों आज कई जगह मुझे रास्ते में उतरना पड़ा क्योंकि इतना कीचड़ है, और आगे भी रास्ता बहुत ख़राब है, और भैया बहुत मुश्किल से गाड़ी लेके आए हैं, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए आगे भी रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत पानी भरा हुआ सब है, तो आज की जर्नी हमारी बहुत ही कठिन रही है। और इधर से चलो दादा, देखो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, और इधर की रास्ता तो बिल्कुल ख़राब है, इधर ही हम लोगों को आना था उधर से वापस, तो वो रास्ता जाम लगी पड़ी, बहुत ही कठिन रास्ते से। दोस्तों एक यूट्यूबर की लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे आने में तो मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं मेहनत से, उसके बाद में सोचते हैं अरे यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा है। देखो कितनी मुसीबत से निकाल के ले गए हैं, और मुझे कई जगह पैदल चलना पड़ा, वो मेरी वीडियो डिलीट हो गई। देखिए फिर पानी आ गया है, लेकिन भैया निकालेंगे, झिल्ली ऊपर रख लेता हूँ मैं मोबाइल के। गिर गए, हाँ निकल जाएगी। दोस्तों आज फंस लगे हैं, देखिए भैया बहुत परेशान हो गए, मेरी बाइक चला रहे हैं, देखिए क्या पोजीशन हो रही है आज, आज तो फंस गए कीचड़ में हम लोग। मुझे लग रहा मुझे चप्पल हाथ में लेनी पड़ गई क्योंकि
एक्सीडेंट समझ सकते हो आप लोग कि चप्पल बहुत स्लिप कर रही थी, गिर सकता था मैं कहीं ना कहीं। वाह बहुत ही खतरनाक मंजर है, पानी में चलना पड़ रहा है आज, बरसात कम होने का नाम ही नहीं ले रही, हल्का हल्का फुहारा गिर रहा, नैनीताल का फुहारा, आगे धुआं भी हो रहा बहुत तेज, लग रहा कूड़ा करकट जो है वो जला रहे हैं। भैया के हाथ दर्द करने लगे होंगे, आज की पोजीशन ये है। बरसात में भी घर नहीं बैठे हुए हैं, चारा ले आए हो चारा? अच्छा चरइयो ही नहीं हो, चारा भी कटियो? हाँ ये देखिए भैया हमारे उधर अब भी डल्लभ चल रहे हैं, मस्त डल्लभ है, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, दो बैल और डल्लभ, बहुत बढ़िया चारा ये काटेंगे, चारा भरेंगे, और यो देखो नुकसान करे लगी इनकी पड़िया, भगा दो प्रधान जी का नुकसान ना करो। अभी इस रास्ते पर चलेंगे कम से कम 1 किलोमीटर, चलते हैं वहीं मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी मशक्क़त के बाद पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। आज तो बहुत परेशान हो गए, गलत रास्ते पे फंस गए थे, और गलत रास्ते पे तो इतना बहुत ही मुसीबत झेले हैं, जोक भी लग गई थी। ये देखिए सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब आ चुके हैं यहाँ, अटेंडेंस लगाते हैं क्योंकि इधर बरसात बहुत हल्की हुई है, और जिधर हम दूसरी साइड पे थे वहाँ पे बरसात बहुत तेज़ हो रही थी, और वहाँ बरसात इतनी तेज़ हो रही थी हम लोगों को पहले टीन में छिपना पड़ा, फिर उधर दूसरे रास्ते से आए तो रास्ता बहुत ही ख़राब था, आप लोग देख चुके हो। चलिए चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए क्योंकि मौसम ख़राब है। देखिए दोस्तों अटेंडेंस लग गई है, सब लोग जा रहे हैं, हल्की हल्की बरसात हो रही है, और हमको मिल गया है छाता, यहाँ आए तो छाता मिल गया है दोस्तों। अब चल रहे हैं घर को क्योंकि बरसात हो रही है तेज, और कुछ लोग भीगते हुए जा रहे हैं और कुछ लोगों के पास छाता है। देखिए कुछ लोग भीगते हुए जा रहे हैं, और इधर पैदल ही जाना कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पे मोटरसाइकिल खड़ी है। देख लो कोई लग गए बोली, भैया बहुत स्लिप कर रही है पहिया, पहिया पहिया कह के लगी तो नहीं, हम तो समझे ना पहिए तुम्हारी स्लिप करी से ना, पैर 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 स्लिप करी गए, हाँ तो पहिए आप समझ ही चले यार, मजाक मजाक के भैया बहुत बहुत रपटाउन है भैया, आगे वाले रपटक नहीं, आगे वाले सब स्लिप कर रहे हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं घर और कपड़े भी चेंज कर चुके हैं क्योंकि पूरा भीग गए थे, और बिल्कुल मौसम अब भी बना हुआ है लेकिन बहुत अब ठीक ठाक लग रहा है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।